राज्य में शिक्षा की कुव्यवस्था पर NSUI अगले कुछ दिनों में राज्य भर में आंदोलन करेगी। राज्य में शिक्षा की कुव्यवस्था पर NSUI अगले कुछ दिनों में राज्य भर में आंदोलन करेगी। आज पार्टी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में NSUI के छात्र नेताओं ने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी सरकार की शिक्षा नीति की जमकर आलोचना की। वहीं यह भी बताया कि सरकार को तत्काल शिक्षा नीति पर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अच्छा कार्यक्रम दिया है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। शिक्षा जब तक नहीं बचेगा, शिक्षा से कोई प्रेम नहीं। एक तो यह कार्यक्रम पहले भी लॉन्च किए थे, लेकिन कोविड के चलते उस छठ का जो है कार्यक्रम आयोजित शुरू हो रहा है, उसमें लोग भी व्यस्त रहते हैं और पत्रकार बंधु भी व्यस्त है। लोग या पत्रकार बंधु भी बीच में अपना आने से मना कर देते हैं, अभी हमको 3 दिन छोड़ दी। तो बिहार के जो लोग चाहे कॉलेज हो, चाहे वित्त शिक्षा हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, सबों का हालत नहीं मिलता है, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। एक तो पहले से नहीं था, ऊपर से कोविड ने तो और सत्यानाश किया। नेतृत्व में इस कार्यक्रम को चलाएंगे हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा शिक्षा को बचाने में मेरा पहले से भी एक तो भी और आज तो हम उसी के बदौलत नहीं तो और ज्यादा हो गया। तो हम लोग इसको शुभकामना भी देते हैं और आपके प्रभारी इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।